तो नमस्कार दोस्तों, काफी गिरावट के बाद मार्केट सुधरा और एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिली। एक हेवी डाउनफॉल पिछले सत्र में देखा था, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। 21,650 पे खुला मार्केट और फिर नीचे भी आया, 21,550 का सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से भी सेफ रिकवरी देखने को मिली और मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। 21,744 का हाई भी बनाया, फिर वहाँ पे टिक नहीं पाया मार्केट और फिर 21,653 तक आया नीचे और फिर नीचे ऊपर मार्केट होता रहा। 21,743 में जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 127 पॉइंट पढ़ के। निफ्टी नेक्स्ट 50 56,893 पे बंद हुआ, 5,570 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी मिड कैप में मामूली बढ़त 8 पॉइंट का था 10,680 पे। निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी थी, 620 पॉइंट का 45,502 पे बंद हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल 272 पॉइंट बढ़ा है, 20,190 पे बंद हुआ है। बढ़ने वाले शेयर्स थे कोल इंडिया, जाहिर सी बात है काफी अच्छा रिजल्ट था, 5% की तेजी। यूपीएल, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ 2 से 5% तक सपोर्ट किए। गिरने वाले शेयर्स थे जो हिंडाल्को, ये रिजल्ट काफी खराब हुआ था, 13% तक की गिरावट हुई। ग्रासिम, डिबिस लैब, अल्ट्रा टेक सीमेंट और बीपीसीएल जैसे दिग्गज 1 से 13-14% तक गिरे भी। तो इतना गिरने के बावजूद भी मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छा साइन है। लेकिन एक खराब साइन भी है कि निफ्टी से अभी इशारा आ रहा है कि हम करीब करीब 200 पॉइंट नीचे खुले। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 5 बज रहा है, अभी ये 195 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। इसका मेन रीजन है यूएस मार्केट में काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा आया है काफी खराब आया है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है। अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो रेट कट होने वाली थी मई में, वो रेट कट अब नहीं होगी। और उसी के लिए मार्केट में डॉ जोन्स देखिए 1.35% गिरा है, 525 पॉइंट। S&P 1.37%, 68 पॉइंट गिरा है, 4,953 पे बंद हुआ है। नेस्डेक कंपोजिट 1.80% गिरा है, 2.86 पॉइंट गिरा है। नेस्डेक 15,655 पे बंद हुआ है। तो काफी हेवी फॉल मार्केट से अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल रहा है, हालांकि एशियन मार्केट पॉजिटिव ट्रेड हुआ है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? इतना गैप डाउन अगर हो जाए तब मार्केट में क्या अब बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है या सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा? ये सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी क्या बोलना चाह रहा है आइए देखते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के चार्ट को हम देखते हैं निफ्टी का। ये देखिए किस तरह से ये मार्केट ने क्लोजिंग दिया। लास्ट लास्ट आवर में कोई तो जानता था कि मार्केट कल खराब हो सकता है, इसलिए देखिए लास्ट के 30 आवर्स और 30 मिनट्स के, लास्ट के 30 30 मिनट्स में जो है बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं। इसका मतलब लोग सेल करके गए थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोग किए हैं, अच्छा खासा रिकवरी मार्केट में देखने को मिला। एक कैंडल, दो तीन चार रेगुलर, यहाँ पर भी देखिए एक दो तीन चार कैंडल बना, तो ये दिखा रहा है कि लोग कल पैसा तो अच्छा कमाए, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जो हम बोलते हैं कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करने से फायदा क्या है कि आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है। 30 मिनट्स में अगर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बन रहा है और पहला अगला 30 मिनट्स में भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी इसको तोड़ रहा है, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यही मार्केट में देखने को मिल रहा है, यहाँ अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। अब क्या होना चाहिए, कल के दिन में कैसा सेटअप बैठना चाहिए, आइए समझते हैं। तो 21,738 पे बंद हुआ है मार्केट। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन कहाँ पे मान के चलिए 1-200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है कि गैप डाउन हो जाएगी, तो अगर 21,000 हम कहाँ पे खुल जाएंगे, 21,572 पे। ये जो एरिया है गैप डाउन होने पे, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 21,571। क्यों इंपॉर्टेंट है 21,571 क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आपको क्या करना है, आधे घंटे के कैंडल को मार्क कर लेना है। आधे घंटे के कैंडल का हाई, आधे घंटे कैंडल का लो मार्क कर लेना है। अब मार्केट जिधर मूव करेगी उधर आपको ट्रेड लेना है।
अगर 21,571 को तोड़ देती है मार्केट 21,500, तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। फिर नीचे हमें 21,400, 21,400, 21,442, 21,300 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा अगर ये नीचे की ओर मार्केट खिसक जाती है। आधे घंटे कैंडल को देख लेंगे, अगर ऊपर की ओर मूवमेंट दे रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट रहा है, तब बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर यहाँ रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल का लो टूट रहा है, तब हम सेल का प्लानिंग करेंगे। तो अगर 21,571 टूटता है तो फिर हमें जो है अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। और ये डाउनफॉल फिर नेक्स्ट जो पड़ा होगा 21,450 तक का होगा, 21,450 तक का होगा अगर नीचे की ओर हम खिसकते हैं तो। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 200 पॉइंट नीचे हम खुलेंगे, तो 200 पॉइंट नीचे खुलने पे ये हमको करना है। क्या होगा मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है? गैप अप कहाँ पे होगी? गैप अप अगर यहीं पे अगर हो जाए फ्लैट 21,751 के आसपास ही अगर मार्केट खुल जाए, अगर 21,750 के आसपास अगर मार्केट खुल जाए, 21,750 के आसपास खुल जाए, हम आधे घंटे कैंडल को वॉच कर लेंगे। आधे घंटे कैंडल का इस तरह का रहेगा, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब हम सेल का प्लानिंग करेंगे। तो हमने दोनों चीज़ डिस्कस की, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है 21,750 पे, तब हमें क्या लेवल देखने को मिलेगा, फिर 21,800, 21,850 भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर डाउनफॉल होती है तो 21,450 आपके लिए खुला है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, ये जो अगर गैप डाउन 200 पॉइंट खोल के अगर ये 21,500 सपोर्ट ले लेता है, तो फिर हमें ऊपर का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। फिर 21,600 अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो फिर हमें 21,650, 21,750 तक भी मार्केट जा सकता है, मूव कर सकता है ऊपर की ओर। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की। क्या होगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है? फ्लैट कहाँ पे होगी? फ्लैट 21,700 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, यहीं पे, यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है, 21,700 के आसपास अगर फ्लैट ओपन होती है, आधे घंटे कैंडल हम वॉच करेंगे। आधे घंटे कैंडल का अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। फिर 21,800 का लेवल भी दिखा सकता है मार्केट। और अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है आधे घंटे कैंडल में, जैसा कि इस तरह का कैंडल बन जाता है, तब हमें नीचे की ओर 21,600, 21,500 तक भी दिखा सकता है। तो नीचे के लेवल पे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट 21,500 का रहेगा, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी से दिखा रहा है 200 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो हमें ये रणनीति पे काम करनी चाहिए। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया निफ्टी के। अब हमने डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है निफ्टी, वो हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया ये। और ये है डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं किस तरह से 21,700 के आसपास, 750 के आसपास हमने क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे जो सपोर्ट लिया 21,600 का, तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 200 पॉइंट यानी 21,500 के आसपास, यहाँ पे हम अगर खुल जाते हैं, ये जो लेवल है 21,500, अगर 21,500 के आसपास हम खुल जाते हैं, तो हम जैसा कि डिस्कस किए कि यहाँ पे ही हमको आधे घंटे का कैंडल वॉच कर लेना है। आधे घंटे कैंडल जिधर मूव करता है उधर हमें जाना है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ता है, ब्रेकआउट मिलता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, ब्रेक डाउन मिल जाता है, तब हमें सेल का प्लानिंग करना है। तो फिर 21,400 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। और अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ये गैप डाउन का पता है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप जैसा कि 200 पॉइंट दिखा रहा है गैप डाउन ही ओपन होंगे, लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं कि गैप निफ्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है जैसा कि हम बताएं, तो अगर 21,750 के आसपास ही खुल जाती है
750 के आसपास ही खुल जाती है। आधे घंटे कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, ब्रेकआउट मिलता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। फिर हमें 21,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, 21,850 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रेड कैंडल बन जाती है तब हम सेल का प्लानिंग करेंगे, रेड कैंडल का लो टूट जाता है तो सेल का प्लानिंग करेंगे। उस हालत पे हमें 21,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीज़ डिस्कस किया, 21,500 पे खुलेगा तो अगर नीचे का लेवल आ जाता है तो हमें सेलिंग का प्लानिंग करना है, 21,400 तक का लेवल दिखा सकता है ये। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेते हैं, अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है, तो फिर हम रेडी हो जाएंगे 21,600, 21,700 के लिए हमें रेडी रहना चाहिए अपर साइड के लिए। फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट कहाँ पे होगी, 21,700 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो वहीं पर भी हम यही करेंगे, आधे घंटे कैंडल बना लेंगे, मार्क कर लेंगे हाई का फिर लो का। हाई कैंडल का ऊपरी साइड अगर ब्रेकआउट मिलता है बाइंग का प्लानिंग करेंगे, नीचे साइड में अगर लो का कैंडल ब्रेकडाउन मिलता है और नीचे का लेवल तोड़ता है तो हम सेल का प्लानिंग करेंगे। तो 21 ऊपर के लेवल पे फिर हमें 21,800 तक का लेवल दिखा सकता है, नीचे का लेवल अगर ब्रेक डाउन मिलता है हमें तो 21,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ निफ्टी और का डेली और इंट्राडे 30 मिनट्स के चार्ट। बैंक निफ्टी देखिए किस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिस हरामी कैंडल बनाया है, इसको बोलते हैं बुलिस हरामी कैंडल। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने से पहले हम मंथ 30 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट लास्ट आवर में कोई सेल करके गया है, यानी किसी को तो पता था कि मार्केट कल हो सकता है गैप डाउन खुले, और यही कारण है कि लोग सेल करके गए हैं लास्ट लास्ट आवर में। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहाँ पे गैप डाउन, जैसा कि 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी भी 200 × 4 कर लीजिए, 4 के आसपास अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट निफ्टी खुल गैप डाउन ओपन हो जाती है तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट आराम से 400, 500 या 800 पॉइंट भी नीचे खुल सकता है। तो यहाँ पे हम जो क्लोजिंग दिए हैं ये लेवल है 45,575 का, अगर यहाँ से 500 पॉइंट नीचे यानी 45,000 के लेवल पे खुल जाएगी, ये जो लेवल यहाँ पे खुलेंगे ये सपोर्ट के एरिया के आसपास है, तो यहाँ पे हम खुलेंगे 45,000 के आसपास, 45,000 का कैंडल के आसपास अगर हम खुलेंगे, आधे घंटे कैंडल मार्क कर लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। फिर हमें 45,600 तक भी दिखा सकता है, 45,400 और 45,600 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है, नीचे की रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब हम फिर सेल का प्लानिंग करेंगे, और उस हालत पे हमें 44,700 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा नीचे की लेवल। तो ये हुआ अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या होगा, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप मामूली गैप अप के साथ ही मान लीजिए ओपन हो जाती है, तो 21,562 पे हम क्लोजिंग दिए थे, अगर 21,600 के आसपास क्लोजिंग हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो क्या करना है, अगर 44,600 के आसपास अगर हमें मिल जाती है कि यहाँ पे हम गैप अप ओपनिंग खुल जाते हैं 45,700 के आसपास, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है ये 45,700 के आसपास अगर हम गैप अप ओपनिंग होंगे, आधे घंटे कैंडल यहाँ भी वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे, तो फिर हमें क्या लेवल देखने को मिलेगा, फिर हमें 46,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, 46,000 और 46,200 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। और अगर ब्रेकडाउन मिल जाती है, हमें रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब हम सेल का प्लानिंग करेंगे, और उस हालत पे हमें 45,400 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, 45,000 और 45,400 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा अगर नीचे की ओर हम खिसकते हैं तो।
क्या होगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट कहाँ पे होगी, 45,500 के आसपास, 45,500 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, हम आधे घंटे कैंडल वॉच करेंगे। अगर हाई कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, जिस तरह से यहाँ पे है, देखिए ये आधे घंटे कैंडल में ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता, बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 45,500 पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता, बाइंग का प्लानिंग करेंगे, उस हालत पे फिर हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, 45,700 तक का भी लेवल देखने को मिल जाएगा, 45,700। और नीचे की लेवल का अगर ग्रीन कैंडल के बजाय रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है यहाँ पे जिस तरह हुआ है, तब हम सेल का प्लानिंग करेंगे, उस हालत पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 45,200 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का चारों फ्लैट ओपन होने पे और गैप डाउन ओपन होने पे और गैप ओपनिंग होने पे डिस्कस हमने किया 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए ये जो है बुलिश हरामी कैंडल बना है, लेकिन ये टिक नहीं पाएगा क्योंकि आज गैप डाउन ओपन होने की संकेत दे रहा है गिप निफ्टी। तो यहाँ पे गिप निफ्टी अगर 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है, यानी 45,000 के आसपास खुल जाता है, यहाँ पे हम आधे घंटे कैंडल वॉच करेंगे। आधे घंटे कैंडल में ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है अगर, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे, उस हालत पे हमें फिर क्या देखने को मिलेगा, 45,700 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है जो कल का हाई था। और अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, इस हालत पे हम क्या देखने को मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो एक नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा हमें, 44,700 और 44,400, 44,400 से 700 से 400 के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा, 44,400 से 44,700 के बीच भी हमें देखने को मिलेगा डाउनफॉल में। तो ये हुआ गैप डाउन होने पे क्या करना है। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है 45,000, ये जो लेवल है जो आज का कल का जो क्लोजिंग था 45,600, अगर इसके ऊपर खुलते हम 45,700 के आसपास, अगर हमें 45,700 के आसपास खुल जाते हैं, हम आधे घंटे कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे, उस हालत पे हमें क्या देखने को मिलेगा, उस हालत पे हमें ये जो लेवल है 46,000 का लेवल और 46,200 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा, फिर 46,000 और 46,200 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो, इस तरह का गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर नीचे का डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा 45,000 और 45,200 तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है। फ्लैट ओपन होने पे भी हमें ये जो लेवल है, अगर 45,300 के आसपास फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो आधे घंटे कैंडल वॉच कर लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे, उस हालत पे हमें 45,700 का से 46,000 का लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। और अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब हम नीचे की ओर पे 44,800 से 45,000 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने तीनों चीज डिस्कस किया, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया। तो अब जाते जाते देख लेते हैं कि किस तरह से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा से समझ में आ रहा है मार्केट को। 22,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा हुआ है खड़ा है, 90.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग 22,000 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है 3.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, कॉल स्ट्राइक 22,000 पे है जो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। पुट ऑप्शन में 21,000 पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है 68.27 जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। पुट राइटिंग 21,500 पे हुआ है सबसे ज्यादा 15.48 लाख।
ये देखिए 22,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लेवल पे सबसे ज्यादा ओए खड़ा है। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है सन फार्मा, हेवेल्स, हिंदुस्तान लिवर, एस्कोर्स जैसे शेयरों पे, एलएनटी है, सीएल टेक है, इंफोसिस है, टाइटन है, भारतीय टेल है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है बॉस पे, मेट्रोपोलिस, एमजीएल, वोल्टास, इंडसइंड बैंक्स, बिरला सॉफ्टवेयर, मदरसन सुमी, ओएफएसएस, इंफोसिस, एफएसएल पे। सबसे ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है बंधन बैंक पे, टोरेंट फार्मा पे, डीवीस लैब पे, सेल पे, आदित्य बिरला फैशन रिलायंस, पेज इंडस्ट्री, इंडियन होटल्स, डेल्टा कॉर्प, एसीसी, एस्ट्रल जैसे शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं हिंडालको पे, जो रिजल्ट काफी खराब हुआ था, एमसीएक्स, इप्का लैब, अपोलो टायर, भेल, आयसर मोटर, नेशनल एल्यूमिनियम, नौकरी.com, टाइटन, कैफोर जैसे शेयरों पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है पीआई इंडस्ट्री, एमआरएफ, जीएमआर इंफ्रा, मैकडॉयल्स, केनरा फॉर्मेंट, ट्रांस क्यूब, एनटीपीसी, एसआरएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, जाइडस लाइफ जैसे शेयरों पे। पीसीआर पुट कॉल रेशियो देखने को मिल रहा है 0.85, एक से नीचे होने का मतलब है कि बुलिश ट्रेंड्स है, लोग जो है कॉल ज्यादा बाय कर रहे हैं। वर्ल्ड डील हुआ है अटल रियल टेक, एक कंपनी है जो 16 रुपए का शेयर है, काफी इसमें लोग बाइंग कर रहे हैं। आरसीआर लिमिटेड बोल के शेयर है 8 रुपए का, जो सबसे ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो आप चार्ट में देख रहे हैं। रिजल्ट आज बहुत सारे कंपनियों का है, इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आदित्य बिरला फैशन है, क्रॉम्पटन ग्रिप्स है। न्यूज में रहने वाला है विप्रो, क्योंकि इसे आईटी सर्विसेज कंपनी $66 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंश्योरेंस सेक्टर पे विप्रो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज में रहने वाला है, इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 2167 करोड़ का डिफेंस से, तो इसको ये अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। ऑयल इंडिया जो है नेट प्रॉफिट 9.3% जंप किया है, तो इसे ये आज तेजी में रह सकता है। जी इंटरटेनमेंट का भी प्रॉफिट काफी अच्छा हुआ है, 1.41% का प्रॉफिट देखने को मिला है, ये भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है तेजी। और IRFC में 17% का तेजी देखने प्रॉफिट देखने को मिला है, ये भी मार्केट में आज तेजी दिखा सकता है। FII ने 376 करोड़ बाय किया है, DII ने 273 करोड़ का बाय किया। वेन में रहने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन, अशोक लेलैंड, अरविंदो फार्मा, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायकॉन, डेल्टा कॉर्प, इंडिया सीमेंट, इंडस्टा और पंजाब नेशनल बैंक, सेल, इंटर जी इंटरटेनमेंट जैसे शेयर। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करिए, जरूर अपना राय रखें। मिलते हैं आपसे किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।